Okay? आजकल बहुत बूम कर रहा है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सारे कस्टमरिक्स स्नैपचैटोर दर्ल्ड ऑन इसके आर्किटेक्चर को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज एक वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिमांड सर्विस है इस टाइम ठीक है तो इसपे पूरी सीरीज आने वाली है ठीक है रेगुलर मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा बट आज हम बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में तो जैसे कि आपको पता है कि Kubernetes में क्या होता है एक कंट्रोल प्लेन होता है ले जाए तो क्लाउड हमें कुछ तो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा राइट right? और वो बेनिफिट क्या होता है कि इस केस में अगर आप इफ यू आर यूजिंग क्यूबेटिस ऑन क्लाउड इज एनी क्लाउड एडबर और एनी जीसीपी सो वट दे डू इज दे मैनेज द कंट्रोल प्लेन

अगर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया क्यूबलेट और उस एंड पॉइंट ईकेएस मतलब कंट्रोल प्लेन एंड पॉइंट के बीच में तो आपके वर्कर नोड्स आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर यानी ईकेएस क्लस्टर को ज्वाइन कर जाते हैं ठीक है अगर कोई भी दिक्कत आ रही है बीच में ड्यू टू सम नेटवर्किंग इश्यूज इश्यूज और सम परमिशन परमिशन आई एम तो वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती और आपके वर्कर नोड्स नॉट रेडी स्टेट में चले जाते हैं ताकि वो आपके कंट्रोल प्लेन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे what now kubelet will do like kubelet will receive also like it will also receive api commands and send regular status and heartbeats to the eks endpoint so whenever like whenever we are doing kubelet uh, kubectl get nodes kubectl get pods so what like we will see the latest status that each nodes kubelet has reported back to api server